हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजाज खान VLY में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 20 बार गामा DOB किस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो बल्ब आया है ये 23 बार का ये DOB बल्ब है। और इसमें ये ड्राइवर, ये वाला ड्राइवर और ये PCB लगी हुई थी। ठीक है, अभी हमारा ये ड्राइवर देखें आप, बिल्कुल ये ड्राइवर जो है ख़राब हो चुका है। ये देखिए सब डैमेज हो गया है। इसको रिपेयर करने की कोशिश करी मैंने, लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाया। ठीक है, अभी इसको रिपेयर करने की कोशिश करी, रिपेयर नहीं हो पाया क्योंकि इसके अंदर IC जो है फॉल्ट मार रही है। जब ये ड्राइवर में IC फॉल्ट मारती है तो ये सही नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी इसका ड्राइवर और PCB अगर हम दोनों डालेंगे तो ये जो है महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग फिर इतनी ज़्यादा आ जाएगी और कस्टमर इतने पैसे देगा नहीं। तो इसलिए हमने इसमें जो है गामा DOB लगाने का फैसला किया है। ठीक है, और अभी आपको जैसे दिखाएंगे अभी कि गामा DOB किस तरीके से बनाई जाती है। ये देखिए ये इसकी SPD है। ठीक है, SPD है, बहुत दमदार वाली है, एकदम जानदार वाली। ठीक है, ये देखिए करीब से मत देखिए, कैमरे की पास की नज़र तो साली कमज़ोर है। ये दूर से देखिए, दूर से सही दिखता है तुम्हें। ठीक है, ये देखिए ये इसकी SPD है। और ये देखिए एकदम चमक मार रही है, शाइनिंग बहुत है इसमें और एकदम अच्छी से सोल्डरिंग करी हुई है। ये इसकी SPD है और ये हमारी गामा DOB है। ठीक है, तो अब हमें इसे गामा DOB को किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर इसमें जो हैं 3 होल हैं और ये 3 होल इसके अलग अलग डिफरेंस हैं। इसमें जो होल हैं ये छोटे छोटे हैं, 2 होल हैं और छोटे छोटे हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, 2 बल्ब हैं, ये दोनों बल्बों में मुझे ये सही करना है। ठीक है, ये देखिए एक ये है, एक ये है, दोनों एक ही कस्टमर के हैं, दोनों में मैं यही DOB लगाने वाला हूँ। बस मैं आपको एक बल्ब की दिखा रहा हूँ। अब हमको क्या करना है, ये देखिए पहले मैं आपको ये DOB हटा के दिखाता हूँ। अभी मैंने इसका बैलेंस सही करके मिला लिया है, बाकायदा हीट सिंक पेस्ट भी लगा रखा है मैंने, बस आपको दिखाने के लिए मैंने हटा दिया। ठीक है, ये देखिए अब इस तरीके से। ठीक है, ये पहले के होल जो हैं ये वाले थे, अभी हमने होल ये वाले करे हैं। होल ज़रूर करना है इसमें, क्योंकि ये हैवी क्वालिटी की है, अगर ढीली रह गई तो हो सकता है जल जाए, फिर नुकसान हो सकता है। इसलिए वही नुकीली सुम्बी ले लें, ये वाली सुम्बी ले लें। अगर किसी के पास में सुम्बी ना हो तो मैं इसका एक जुगाड़ और बताता हूँ। ये जो ये वाली जो कीलें आती हैं, ये देखिए ये जो कील लगी हुई है, कील जो इसमें हुक में लगती है, ये वाली ये वाले हुक में लगी हुई है, ये वाली ये कील, इस कील को ले लें। ये वाली कील, पहले मैं इसी कील से सुराख करता था, कील बहुत मजबूत होती है वो, उससे आराम से होल हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से इसमें पेंसिल से, ये दूसरी वाली दिखाता हूँ, इसमें तो वो लग गया है, ये देखिए इसमें पेंसिल से इसमें होल मार लें। ये वाली अपनी जो DOB है, इसमें पेंसिल से होल मारने के बाद में ये इसके इस तरीके से जैसे होल हो जाएंगे, फिर यहाँ से अपने आराम से इसमें पेंच लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें पेंच लगा करके किस तरीके से लगानी है। ये वाली जो हमारी है, ये यहाँ देखिए मैंने पहले ही होल मार रखे हैं, अभी मैं आपको पेंच लगा करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसके पेंच हमने ये निकाल करके रखे हैं, ये यहाँ से इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे पेंच इसमें। ठीक है, अभी कैमरे को रोकना पड़ेगा यार, क्योंकि एक हाथ से पेंच खींचेंगे नहीं, टाइट आई है पेंच, मैं खींच के अभी आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पेंच हमने मजबूती से खींच लिए हैं और ये देखिए बिल्कुल चिपक के आई हुई है हमारी। ठीक है, इस तरीके से इसका ज़रूर ध्यान रख लें, PCB जो है हम बिल्कुल चिपक के लगनी चाहिए, अगर ये कहीं से उठी रहेगी तो जो है ये जलने की खतरा रहता है। ठीक है, ये इससे हीट सिंक से इसकी बिल्कुल चिपकी रहनी चाहिए, और मेरी PCB मैं हमेशा बिल्कुल चिपका करके लगाता हूँ, इसीलिए मैं इसके जो है
टिक्की को बाहर निकाल करके फ्री लगाता हूँ, बिल्कुल टिक्की बाहर निकाल कर बैलेंस मिलाकर को बाहर निकाल करके ही लगाएं, नहीं तो ये चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल ये चिपक गई है। अब हम इसमें कनेक्शन करके और बल्ब में फिट कर देते हैं। बस अभी हम इसको जो है इसकी SPD लगा दें, तार इसके मैंने जोड़ दिए हैं, क्योंकि इसके तार के ये जो छोटे हैं ये पूरा नीचे पहुंच नहीं पाएगा, डिफ्यूजर बड़ा है, इसके चक्कर में मैंने तार और एक्स्ट्रा जोड़े हैं इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए भाई साहब, हमारा जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए मैं इसके डिफ्यूजर उसमें बॉडी में इसकी टिक्की को बैठा दिया हूँ बिल्कुल क्लीन तरीके से। ठीक है, और इसके कनेक्शन यहाँ से कर दिए, फिर मैं इसमें कैप लगा करके इसको अभी मशीन से मैंने पंच कर दिया है। ठीक है, देखिए अगर जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये मशीन ना हो तो इसमें जो है मतलब इसे बैठा के थोड़ा सा नुकीली कोई चीज़ लेकर के यहाँ पे हल्के हल्के से नुकीली चीज़ से पेन जैसे इसको पंच कर दें, जैसे इसमें जो रहती हैं पिने, अगर ना हो तो इससे पंच हो ही जाएगी, अगर ना हो तो जैसे ये नुकीली चीज़ है ये सुन भी, इससे हल्के हल्के से जैसे उसमें पंच करते हैं हाथ लगा के पूरा इसको कैप बैठा के हल्के हल्के से पंच कर दें, रुक जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, अभी हम इसकी आइज़ बना दें और बाकी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार जो है हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए एकदम बहुत तेज़ रोशनी आ रही है इसमें बिल्कुल ही, ऐसे करके देखिए। अभी दिन है इसकी वजह से कैमरे में ब्लिंकिंग कर रहा है ये, मतलब दूर से देखिए इस तरीके से। अभी इसको हम इसको पंच कर देते हैं और ये आराम से बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। ठीक है, अभी हम इसको जो है इसकी आइज़ बना दें, आइज़ बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन आइज़ बनी है, एकदम देखें बिल्कुल जैसे जेन्युइन कंपनी की बनती है आइज़, इस तरीके से आइज़ बनी हुई है इसकी बहुत बढ़िया। और बहुत से लोगों को यहाँ पे ये आइज़ नहीं बना मिलती हैं कि किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए इस काइये की ज़रूरत पड़ती है। ये जो बड़ा वाला काइया है और इसी से बनती है, छोटे वाले से नहीं बन पाती है। बस क्या करना है, इसको बीच में रखें, सोल्डरिंग आयरन बीच में रखें और एकदम से ये जो है सोल्डरिंग इसको धकिया दें आगे को इस तरीके से। अभी कैमरा रोकने का जुगाड़ नहीं है, नहीं तो मैं बना के दिखाता, इसलिए मैंने अभी ये अलग बनाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगा। और बहुत अच्छे से मतलब ज़्यादातर लोग ये नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मैं नया नया था, मुझसे भी नहीं बन रही थी, लेकिन अभी मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, मैं बल्ब बनाता हूँ तो इसलिए मुझे जानकारी हो गई थी। ठीक है, चलिए भाई साहब आपको दिखा दिया मैंने, ये सब हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें बस इसका डिफ्यूजर लगा के टेस्टिंग इसकी बाकी है। ठीक है, और डिफ्यूज़र अच्छे से साफ़ कर लें, धो लें, कहीं गंदगी लगी हो ताकि रोशनी अच्छी आएगी। मैं तो हमेशा डिफ्यूज़र धो करके ही लगाता हूँ। अब इस तरीके से ये इसका डिफ्यूज़र बैठा लें। ठीक है, अब हम इसकी रोशनी चेक करते हैं कितनी रोशनी आ रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखिए भाई साहब, ये हमारा 20 वाट का बल्ब बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि ये 23 वाट का है, लेकिन अब 23 वाट नहीं मिल रहा है तो 20 वाट लगा दो, 20 से 25 वाट तक चल जाता है। फिलहाल 25 वाट की अगर इसमें वो लगाते PCB तो 25 वाट की PCB बहुत बड़ी होती है, वो इसमें आती नहीं। तो ये जो DOB दी है ये मुझे क्यों पसंद आ रही है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है ये बहुत बढ़िया इसलिए है कि ये छोटा साइज़ दिया है इसका, और इसकी थिकनेस देखें आप, थिकनेस भी पूरी 1.5 mm की थिकनेस है। छोटा साइज़ होने की वजह से क्या है ना, ये किसी चीज़ में एडजस्टेबल है, आप किसी भी चीज़ में इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। मेरे कहने से आप लोग इसको मंगाएं, और इसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है 23 वाट के बल्ब को देख करके, 20 वाट के बल्ब को देख कर इसकी कॉस्टिंग भी कमी है। ठीक है भाई लोग, जिसे चाहिए हो ये DOB भी मेरे पास में है, अगर जिसे चाहिए हो मिल सकती है। और बाकी सारी PCB जो भी 9 वाट 7 वाट और जो गामा DOB वैसी वाली है मीडियम रेंज की, वो सभी अवेलेबल हैं, आप जिसको चाहिए मुझे बता देना। ओके, ठीक है भाई लोगों, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, तो भाई लोगों आपका भी एक हक बनता है कि उंगली को थोड़ी सी हरकत दे दें सब्सक्राइब करने की। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई लोगों। इसी तरह आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। ओके भाई साहब, ठीक है भाई लोगों,
वीडियो देखने के लिए यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।